के आसपास के हाईज बने थे, उसके बाद लगातार हमने डाउन ट्रेंड देखा, लोअर टॉप लोअर बॉटम देखे, और उस पूरे जो क्रैक था उसमें लगातार 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरफ लेकर रहा था। लेकिन अब स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को 50 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो इस सब को पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। इस रैली में आपको 340 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आपने इतना पेशेंस दिखाया है, तो अब तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 225 का स्टॉप लॉस रहेगा, 340 पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर निकला तो शायद आपके भाव देखने को मिल जाए। माना साहब, आपने कैंपस से जूते खरीदे क्या? नहीं, मैंने कैंपस के शूज नहीं खरीदे। ओके, बस ऐसे ये सब